नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आपके अपने ही क्लासरूम ज्ञान अभियान में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट द डायगनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहते हैं जो स्क्वायर होते हैं उनका जो डायगनल होता है, मान के चलिए कि ABCD एक स्क्वायर है, तो आपको प्रूव करना है कि AC और ये BD बराबर है। और दूसरा और एक चीज प्रूव करना है कि ये जो O है ये AC और BD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, प्रूव का क्या करना है, टू प्रूव AC इक्वल टू BD। पहला तो ये प्रूव करना है एंड AC बाइसेक्ट BC। ये दो चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका लेते हैं प्रूफ। देखिए आपको इसी तरह से स्टेप वाइज करने हैं जिससे कि आपको आपका सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, देखिए ये वाला इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD प्रूफ मैं लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD लिख लिया हमने। ठीक है, ट्रायंगल ABC तो BAD ऐसे ले लिया हमने। तो अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल जो है ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और क्या हो जाएगा, ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं BC इक्वल टू AD। क्यों, तो अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर या साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कारण ये हो गया। ठीक है, AB इक्वल टू क्या जाएगा, AB इक्वल टू AB, ये क्यों हुआ, ये हो रहा है कॉमन। ठीक है, इसके बाद और एक चीज आपको लिखना है, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD ये हो जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये लिखेंगे एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री इच। ठीक है, ये तीन चीजें बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे हुआ भाई, ये तो SAS से है ना, दो साइड लिया एक एंगल लिया, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अब इसके नीचे आपको लिखना है AC इक्वल टू BD और यहां पे इसके आगे लिख देना है CP CT। ठीक है, तो ये हमारा, और इसको लिख लेना है फर्स्ट, ये हमारा एक चीज, ये वाला चीज हमारा प्रूव हो चुका है कि ये वाला और ये आपस में बराबर है। अब चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लेना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB और इधर से ले लेंगे DOC एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो जाना है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ है स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा AB इक्वल टू DC और यहां पर लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये वाला चीज हो गया। अब देखिए क्या होने वाला है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, ये हमें पता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। उस कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल, इसका नाम लिखेंगे BAO, एंगल BAO इक्वल टू एंगल, इधर से लिखेंगे DCO। ठीक है, लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
अब यहाँ पर इसके बाद देखिए इसी तरह से अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसका ए बी ओ एंगल ए बी ओ इक्वल टू, इधर से ये क्या हो जाएगा ये वाला सी डी ओ एंगल सी डी ओ, और ये भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, है ना। जब ये तीन चीज बराबर हो जाएगा तो सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी, ये हो गया हमारा कैसे, तो यहाँ पे हो गया ए एस ए, है ना, एंगल साइड एंगल से ये वाला चीज हमारा अप्रूव हो गया, है ना। जब ये चीज प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, देयर फॉर क्या हो जाएगा यहां से, अब ये और ये आपस में बराबर है तो उसके ये साइड इसके साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, लिखेंगे ए ओ इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, BO इक्वल टू DO कैसे, तो बाय CP CT, आप दोनों के लिए अलग अलग लिख लीजिएगा, मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब इस वाले को हम लोग मान लेंगे, इस वाले को थर्ड मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे और इस वाले को थर्ड मान लेंगे, तो इससे ये वाला चीज हमारा प्रूव हो गया, है ना, कि सो ये AC बाइसेक्ट BC, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट हो जा रहा है ना, तो यहां पर लिखेंगे From वन टू एंड थ्री इट इज प्रूव्ड दैट, यहां से अब आपको लिखना है डायगनल्स ऑफ आई स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए ज्ञान अभियान चैनल से, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।